अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान से सुनिएगा तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो हमारी कंपनी है इसने एक जॉइंट वेंचर किया है इसराइल की बैटरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फिनर्जी के साथ क्या चीज के लिए एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए और ये बैटरी सिस्टम बेस्ड एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी होगी और ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाई जा रही है और स्टेशनरी स्टोरेज के लिए बनाई जा रही है साथ ही साथ हाइड्रोजन स्टोरेज सोलूशन के लिए बनाई जा रही है तो ये एल्यूमिनियम एयर बैटरी है क्या तो एल्यूमियम एयर बैटरी क्या इस्तेमाल करती है ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है राइट हवा से ऑक्सीजन लेती है और फिर वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्यूशन के साथ उस हवा को जो है वो रिएक्ट करवाती है जिसके थ्रू जो एल्यूमिनियम जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है मतलब कि आसान भाषा में हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की ये प्रक्रिया है हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की ये प्रोसेस हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है इसमें बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि इसकी कीमत काफ़ी कम लगेगी इसमें इसको बनाने में इस प्रकार की बैटरीज को और काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनर्जी जो है पावर जो है वो इसमें स्टोर रहेगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज जनरली हम लोग देखते हैं जैसे आपके आपके टेबल पे अगर रिमोट पड़ा होगा आपके एसी का राइट right? तो उसको आप निकाल के देखो तो उसमें जो बैटरी लगी होती है वो आपको आ, इस लिथियम आयन बैटरी दिखाई देगी या फिर आपके टीवी का रिमोट के पीछे निकाल के देखो तो उसमें लिथियम आयन बैटरी आपको दिखाई देगी या फिर पहले अभी तो आजकल मोबाइल फोन में हमें नहीं देखने को मिलता कि बैटरी निकल जाती है पहले मोबाइल फोन की बैटरी निकल जाती थी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कई बार कि लिथियम बैटरी है ये है ना तो जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा उपयोग में ली जाती है स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंडिया के अंदर तो इसके ऑल्टरनेट के तौर पर हम लोग इसको यूज कर सकेंगे एल्यूमिनियम एयर बैटरीज को

एल्यूमिनियम एयर बैटरी में यह कन्वर्ट करेगी एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड को यानी कि कुछ समय में यानी कि थोड़े समय में अपने आप ये इसको कन्वर्ट कर देती है और एल्यूमिनियम जो है ये एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड से जो निकलेगा ये डायरेक्टली इंडस्ट्रियल उपयोग में भी लिया जा सकता है यानी कि इस बैटरी से एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड जो निकलता है कुछ समय के बाद तो उसको भी इवन उपयोग किया जा सकता है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए अब इसमें चुनौतियां क्या क्या है एलुमिनियम एयर बैटरी की तो हमने अच्छी बात तो कर ली कि ये फलाना फलाना मस्त मस्त चीज़ इसमें हमें देखने को मिल रही है इसमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये रिचार्ज नहीं होती सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते इसमें जैसे कि आपके घर में सिलेंडर आता होगा ना लाल कलर का खाना पकाने के लिए सिलेंडर जो हम लोग उपयोग में लेते हैं डोमेस्टिक परपज के लिए डोमेस्टिक कुकिंग के लिए तो वो जो सिलेंडर होता है तो सिलेंडर वाले भैया आते हैं आप उनको खाली सिलेंडर देते हो वो आपको भरा सिलेंडर दे देते हैं तो कुछ इसी प्रकार का, का काम हो सकेगा अगर होगा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो इस पर अगर अच्छे से काम करेंगे तो कि जैसे कि पेट्रोल टैंक में जाकर आप पेट्रोल पंप में जाकर आप पेट्रोल डलवाते डल 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 हो गाड़ी में वैसे ही होगा कि इस प्रकार के स्टेशन पर जाकर चार्जिंग स्टेशन पर जाकर आप बैटरी उठाओगे वो आपकी गाड़ी में बैटरी लगा देंगे और आपकी बैटरी निकाल के अपने पास रख देंगे और पैसा ले लेंगे तो इस प्रकार की चीज़ हो सकेगी शायद इन फ्यूचर ऐसी चीज राइट तो लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा जो लॉस है वो यही है या डीमेरिट या चुनौती इसकी सबसे बड़ी यही है कि वो रिचार्ज नहीं हो सकती राइट तो इसलिए इसका इसको बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसी बैटरीज को बनाना होगा राइट तो यही चीज और बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसी बैटरीज को स्वैपिंग स्टेशन पर रखना होगा जहां पर इस बैटरी को स्वैप किया जा सके और ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है देखो आज की रेट में लिथियम लिथियम आयन बैटरीज के लिए हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हम चाइना से जो है वो ये सब बैटरीज मंगवाते हैं और अगर हमारे यहाँ ही अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बनना शुरू हो जाएगी तो हम लोग अपने ही ये वाली बैटरी बनाएंगे एलूमिनियम एयर बैटरीज राइट तो ये हमारे लिए ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखने को मिलेगी और सस्ती भी पड़ेगी बट बड़ प्रॉब्लम यही है कि लार्ज स्केल में इसको बनाना होगा और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम लोग एक बार कर लें तो बढ़िया चीज़ रहेगी ये राइट और ये डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग जो है बैटरीज की उसको बूस्ट करेगी अब हमारी कंट्री में जब बैटरीज बनाई जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि बैटरीज को बनाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी तो अल्टीमेटली हमारी कंट्री के जीडीपी में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी तो इस प्रकार से आपको टॉपिक को लिंक करते हुए चलना है इकोनॉमिक्स के साथ भी राइट जैसे कि इंटरनेशनल परस्पेक्टिव के साथ भी कि हम लोग का इशू चाइना के साथ चल रहा है कल को चाइना जो है वो लिथियम आयन बैटरीज देना बंद कर दे स्टॉप कर दे तो हमारे मार्केट में तो बड़ी इशू हो जाएगा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव और नहीं है इतने लार्ज स्केल में लिथियम आयन बैटरी का कि जो है हमें सप्लाई कर सके राइट तो और हम लोग ये अगर बनाएंगे तो हम लोग इस प्रकार से भी बच जाएंगे ऐसे इशू से भी और इंडिया की आ, एनर्जी स्टोरेज की बढ़ती डिमांड को भी ये मीट कर जाएगी तो ये वाली चीज़ है कुछ जिसके बारे में आप लोग को एक अच्छा आइडिया होना चाहिए इस एल्यूमिनियम एयर बैटरीज के बारे में राइट